हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुसुम। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिक्स नमकीन बनाना बताऊंगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप घर पर ही चटपटा मिक्स नमकीन बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यह छिलके वाली साबुत मसूर है। 1.5 कप चना दाल और 1/2 कप मसूर को हमने शाम को नॉर्मल पानी में भिगोया था। अब यह फूल के डबल हो गई है 7-8 घंटे में। अब इसका पानी छान के इसे सुखा लेंगे। बेसन का सेव बनाने के लिए हमने 2 कप बेसन लिया है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग, नमक स्वाद के अनुसार, ऑयल 4 चम्मच। अब बेसन में सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। नमक भी डाल देंगे, हींग, हल्दी पाउडर और इसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। अगर नहीं भी डालेंगे तब तो भी बहुत टेस्टी नमकीन बनती है। 2 कप बेसन गूथने में 1/2 कप पानी लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना है, एक बार ज्यादा पानी नहीं डालना है। पानी से गूथने के बाद हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे स्मूथ कर लिया है। इसे गूथने में सिर्फ 1/2 कप पानी लगा है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के बूंदी का बैटर बना लेते हैं। बूंदी बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। थोड़ा सा पीली बूंदी बनाएंगे और थोड़ा सा हरी बूंदी। इसमें 1 पिंच ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे हरी बूंदी बनाने के लिए। थोड़ा सा और डाल देंगे। अब बूंदी के बैटर को हमने 5 मिनट के लिए रख दिया है और सबसे पहले हम बेसन का शेप बना लेंगे। तो इसके लिए हम मीडियम साइज का सांचा यूज करेंगे। अब इसमें ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें इस तरह से भर लेंगे और 1 इंच खाली रहने देंगे बंद करने के लिए। यहाँ पर हमने राइस ब्रांड का ऑयल लिया है। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल में अच्छी हीट आ रही है। अब इस तरह से मशीन को प्रेस करते हुए बेसन के शेप को बना लेंगे। इसे तलने में 2 मिनट लग जाता है और इसको हमने 2-3 बार उलट पलट के पका लिया है। अब इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है और इसका एक्स्ट्रा आल निचोड़ देंगे और इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे प्लेट में। अब बचे हुए बेसन को भी इसी तरह से भर के बना लेंगे। बेसन का सेव हमने बना लिया है। अब इस तरह से बूंदी बना लेंगे। यहाँ पर हमने पौनी का यूज किया है। अगर आपके पास बूंदी का झारा नहीं है तो आप इस तरह से पौनी पर बना सकते हैं। अब ऊपर से
हमने बैटर को डाला और इस तरह से बूंदी बनती जा रही है। अब पानी को हमने हटा दिया, अब इसे फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे या बाद में अपने आप क्रंची हो जाता है। बस हो गया। बेसन का सेव आप देख रहे हैं कितना क्रंची हुआ है। अब इसे इस तरह से तोड़ लेंगे हल्के हाथों से। जैसे हमने पीली बूंदी को बनाया है उसी तरह से हरी वाली बूंदी बना लेंगे। बूंदी बनाते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बूंदी का बैटर जो है गाढ़ा है तो बूंदी लंबी लंबी बनती है, और बूंदी का बैटर अगर पतला बन जाता है तो बूंदी फ्लैट बनती है, यानी चपटी हो जाती है। तो इस तरह से आप बैटर को अच्छे से बनाएं। बूंदी को हमने फ्राई कर लिया है। इसे फ्राई करने में कुल 2 मिनट लग जाते हैं, और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा निचोड़ देंगे, और जो बारीक वाला बच जाता है इसको जो चाय वाली स्टील की छलनी होती है ना, उससे छान लेंगे। ऑयल को अच्छे से साफ कर लेंगे। जब इस तरह आप साफ करके बूंदी बनाएंगे तो अच्छे से गोल गोल बूंदी बनेगी। चने की दाल को हमने 2 घंटे में सुखा लिया है, अब यह आपस में चिपक नहीं रही है। अब इसे फ्राई कर लेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं, इसका साउंड सुन सकते हैं, क्रंची हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे। चना दाल फ्राई करके मसूर फ्राई कर लेंगे। इसमें ढेर सारे बबल्स आते हैं, जब बबल्स खत्म हो जाएंगे तो यह अपने आप क्रंची हो जाएगा। एक बार इसमें बबल्स उठते हैं, जब बबल्स कम हो जाए तो इसको चम्मच से चला देंगे। एक कप पोहा भी तल लेंगे, जिसे चूड़ा भी बोलते हैं। अब इसे चम्मच से चला देंगे। अब यह क्रंची हो गया है, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे और एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। अब गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर लिया है, और एक कप मूंगफली भी फ्राई कर लेंगे।
अब सभी चीज़ों को हमने फ्राई कर लिया है। ये बेसन का सेव है, मूंगफली चूड़ा और चना दाल मसूर सभी को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले मिलाएंगे। मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पर सफ़ेद नमक लिया है, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और ये काला नमक है, काली मिर्च का पाउडर है एक पिंच, और लाल मिर्च का पाउडर है, अमचूर पाउडर और आधा चम्मच हमने लिया है, एक चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक बड़े बर्तन में एक साथ मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा शुगर पाउडर, चीनी को हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये सारे मसाले इसमें से हम सब मसाले डाल देंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, काला नमक यहाँ पर मैं पूरा डाल रही हूँ इस तरह से। नमक और मिर्ची टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक और मसाले को हमने परफेक्ट लिया है, इसमें थोड़ा सा मिर्ची और अमचूर पाउडर और मिलाएंगे। यह ड्राई मैंगो पाउडर है यानी अमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च और डाल देंगे। अब यह चटपटा नमकीन बनके तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे तो यह एक महीने तक खराब नहीं होगा। इस तरह आप घर पे नमकीन बना सकते हैं। घर पे नमकीन इतना चटपटा बन जाता है कि एक महीने की बात छोड़ो, एक हफ्ते भी नहीं चलता। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।